Good morning students, in the previous video we have completed our exercise 39. Now we will start exercise 40. Okay, before starting this let us discuss some terms related to this exercise. Okay, first one is like decimals and unlike decimals. Okay students, इसमें क्या है, किस किस चीज़ के बारे में रीड करेंगे, like और unlike decimals के बारे में. ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं लाइक और अनलाइक डेसिमल्स की. फर्स्ट वन इज लाइक डेसिमल. लाइक जैसा वर्ड है तो कुछ चीज मींस कुछ चीज सिमिलर है, कुछ एक जैसी है, लाइक है. ठीक है, और अनलाइक मींस डिफरेंट है. तो इसमें क्या लाइक होगा, डेसिमल की बात करें तो ऑब्वियसली डेसिमल प्लेसेस में कुछ लाइक होगा. और वो लाइक क्या होगा कि जो हमारे डेसिमल प्लेसेस होते हैं वो होते हैं लाइक, मीन्स नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सेम होते हैं. ठीक है, जैसे मैंने नंबर लिखा 3.475. ठीक है, इसमें जो ये क्या है डेसिमल के बाद प्लेसेस है, इनको बोलते हैं क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. ठीक है, डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं उनको बोलते हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. मैं इसमें पूछूं कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है तो कितने हैं, 1, 2, 3. ठीक है, एक और नंबर लिखती हूँ 4.717, इसमें नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हैं, 3. 7.001, डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 1, 2, 3. ठीक है, और देखो यहाँ भी डेसिमल प्लेसेस 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3. तो ये चीज़ सिमिलर है, ये लाइक चीज़ दिख रही है. ठीक है, तो इस टाइप की जो डेसिमल्स होती हैं उनको बोलते हैं लाइक डेसिमल्स. ओके स्टूडेंट्स, जिसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होती हैं वो सेम होती हैं उनको बोलते हैं लाइक डेसिमल्स. और जब हम अनलाइक की बात करते हैं तो अनलाइक में हमारा क्या आ जाता है, सेम था तो लाइक थी, तो डिफरेंट हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगी, अनलाइक. फॉर एग्जांपल यहाँ ऐसे आ जाए और यहाँ ऐसे आ जाए. ठीक है, देखो यहाँ डेसिमल प्लेस कितना है, 1, यहाँ डेसिमल प्लेसेस 2 और यहाँ 3. तीनों में डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो क्या हैं, डिफरेंट हैं. तो दैट मीन्स ये कैसी डेसिमल्स हैं, दीज आर नोन एज अनलाइक डेसिमल्स. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, लाइक और अनलाइक डेसिमल्स के बारे में हम लोगों को पता लग गया है. अब इसके बाद एक और है हमारा इम्पोर्टेंट रिजल्ट, छोटा सा रिजल्ट है बट इम्पोर्टेंट है. ठीक है, वो क्या है, जैसे ये क्या था, पहले हमारी लाइक फ्रैक्शंस थी, लाइक टर्म्स, सॉरी लाइक डेसिमल्स थे. अब हमने इनको अनलाइक में, मतलब अनलाइक को डिफाइन करने के लिए हमने ये किया. ठीक है, हमारे पास जो ये प्रॉपर्टी है या ये रिजल्ट है, इसका यूज़ करके हम जो हमारी अनलाइक फ्रैक्शंस हैं उनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं. और वो कैसे, कि इस प्रॉपर्टी का नेम क्या है, बाय पुटिंग एनी नंबर ऑफ जीरोज ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ डेसिमल पार्ट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर. मीन्स क्या मतलब है इस चीज़ का, कि कोई भी एक डेसिमल नंबर गिवन है हमारे पास, उसके एक्सट्रीम राइट पे, मतलब एक्सट्रीम राइट की सबसे राइट वाली पोजीशन पे, ये इसका राइट है, तो इसके भी यहाँ हम अपनी मर्जी से कितनी भी जीरो लगा सकते हैं. वो जीरो लगाने से इस नंबर की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होगा. जैसे मैं आप लोगों को लिखूं, ये है 7.8, जीरोस लगा दी मैंने अपनी मर्जी से ये. ठीक है, तो जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स होते हैं उतने से हम डिवाइड करते हैं डेसिमल हटाने के लिए. तो यहाँ हम हटाएंगे तो क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, ऊपर कितनी 5 जीरोज हैं, 5 जीरो से 5 जीरो कट, नीचे एक जीरो है तो एक प्लेस से पहले डेसिमल 7.8. देखो 7.8 ही था जीरो लगाने के बाद, और जब मैंने सारी जीरोस लगा दी और फिर इसको दोबारा सोल्व किया तो फिर से आंसर हमारा 7.8 आ गया है. ओके स्टूडेंट्स, तो दैट मींस हमारा रिजल्ट क्या था, कि हम एक जो डेसिमल नंबर है उसके एक्सट्रीम राइट पे अपनी मर्जी से कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वैल्यू सेम रहेगी. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हैं. अब आती है कंपैरिजन की बात, कि अगर हमारे पास दो नंबर गिवन हैं तो उनको कैसे कंपेयर करेंगे, कौन सा बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है. ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हम जो हमारा होल पार्ट है, जैसे मैंने लिखा यहाँ
3.476। सबसे पहले होल पार्ट को कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ 3 है यहाँ भी 3, तो कुछ नहीं पता लगा। सेकेंड में देखो यहाँ 4, डेसिमल के बाद वाले पार्ट को करेंगे 4, यहाँ तक दोनों नंबर सेम 7, यहाँ देखो यहाँ आ गया है 5 और यहाँ आ गया है 6, तो दोनों में से 5 बढ़ा के 6, 6 बढ़ा है, तो दैट मीन्स इन दोनों में से नंबर बड़ा कौन सा, ये वाला। और आप लोगों को पता है बड़े की तरफ ओपन माउथ और छोटे की तरफ क्लोज माउथ। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हैं? ऐसे ही अगर हमारे पास क्या आ जाए, अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वो भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले होल पार्ट को कंपेयर करेंगे, अगर होल पार्ट से ही हमारा काम चल जाता है, मींस कैसे चल जाता है, देखो एक और एग्जांपल बताती हूँ। ये है हमारा 4.71, अगर हमें दे दिया जाए 42.71, तो यहाँ देखो एक क्या है 4, यहाँ देखो वंस प्लेस, यहाँ से कंपैरिजन शुरू करते हैं। देखो वंस और टेंस दो प्लेसेस है, यहाँ प्लेस ही एक है, तो जहाँ टेंस प्लेस है ऑब्वियसली वही वाला नंबर बड़ा होगा, या फिर दोनों में अगर हमारा टेंस प्लेस आ जाए तो कंपेयर करो, टेंस प्लेस पे यहाँ 1 है यहाँ 4 है, बड़ा कौन सा है 4, तो यहाँ देखने से यही पता लग जाएगा कि बड़ा कौन सा है, ये वाला। और बाय चांस यहाँ ये दोनों नंबर भी सेम आ जाए, ऐसे आ जाए 42.7, ये 7.1 है और ये 7.5 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो डेसिमल्स हैं उनको लाइक डेसिमल बनाएंगे, तो यहाँ एक जीरो लगा देंगे, देखो लाइक डेसिमल बन गए, फिर कंपेयर करेंगे, ये फोर डिजिट सेम, इसके बाद लास्ट वाली ये जीरो है ये 5 है, तो बड़ा कौन सा होगा, 5 वाला। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हैं? अब करते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है। जितने क्वेश्चन एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं सेम एज इट इज हमारे क्या है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, उनमें क्या है बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर वन में क्या गिवन है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल, ठीक है। कौन कैसे करेंगे, जो अभी अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी या रिजल्ट बताया था कि कोई भी हमारे पास अगर अनलाइक फ्रैक्शन है उसको लाइक में चेंज करते हैं, तो क्या करते हैं उसके एक्सट्रीम पे हम अपनी मर्जी से कितनी भी जीरो लगा सकते हैं जितनी की हमें रिक्वायरमेंट है। जैसे हमारे पास जो सी पार्ट गिवन है उसमें क्या है 0.3 एंड 1.457। देखो यहाँ 1 प्लेस है यहाँ 3 प्लेसेस है, दैट मीन्स ये कैसी फ्रैक्शंस हैं, सॉरी डेसिमल है, अनलाइक डेसिमल है। तो जहाँ मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस होते हैं वो वाला देख के दूसरे में भी उतने ही प्लेसेस हम बना देते हैं, कैसे, जीरो लगा के। तो ये वाला क्या बन जाएगा 0.3, 2 प्लेसेस और चाहिए तो 0, 0, ओके। और ये क्या है 1.457, दोनों में कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, हमें बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो वो लोग वो क्वेश्चन आप खुद सेव करेंगे, ठीक है। ऐसे ही थर्ड है और ऐसे ही हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं 0.34, 0.06, 0.1, 0.61, 0.01, ओके। इसी में असेंडिंग और डिसेंडिंग में आपको दोनों बता दूंगी। देखो पहले तो क्या करेंगे, देखेंगे फ्रैक्शन लाइक है कि अनलाइक है। देखो 2, 2, यहाँ 1 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो जो ये वाली है इसको क्या लिख लेंगे 0.10। अब देखो सब में क्या है, जो होल पार्ट है वो 0 है, तो ये नहीं देखेंगे डेसिमल पार्ट। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 6, यहाँ 1, तो सबसे बड़ा कौन सा है, 6, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा हमारा 0.61 आ गया, उसके बाद 0.61 के बाद 0.34, फिर आएगा हमारा 0.10, उसके बाद 0.06 और उसके पॉइंट 0.01, ठीक है। सबसे बड़ा लिख दिया, सबसे छोटा, असेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा, तो ये है 0.01। साइन का हमेशा ध्यान रखना, आपने पेपर में भी नहीं लगाया था ये ऐसे, फिर 0.06,
0.10, इसके बाद 0.34, उसके बाद 0.61। इसी को डिसेंडिंग में लिखना है तो यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या आएगा हमारा, 0.61, 0.34, 0.10 और 0.06, 0.01। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।